अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो पाकिस्तान के पकवान में आपको वेलकम करती हूँ। हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुए हैं नई नई डिशेस के साथ, और आज हम अपने टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमारी इम्पोर्टेंट जो शख्सियत है हमारे इस शो की, उनसे आपका तारुफ कराती चलूँ। शेफ़ मुनीरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है हमारा शो पाकिस्तान के पकवान, आप सब देखने वालों को, चाहने वालों को हम दोनों की तरफ से खुश आमदीद, और उम्मीद है कि आप लोग मज़े में होंगे। ऐसा ही है जी मुनीरा, आपकी डिशेस इंजॉय कर रहे होंगे लोग, उम्मीद है। और आज का हमारा टॉपिक बड़ा स्पेशल है, वो ड्राई फ्रूट्स पे हमने आज बात करेंगे हम थ्रू आउट हफ्ते। और इससे पहले हम बात स्टार्ट करें, हमें आज का मेन्यू भी बता दें मुनीरा कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जैसे आपने भी टॉपिक की बात की ड्राई फ्रूट की, तो मेरा ख्याल है कि ड्राई फ्रूट हमारा कुदरत का ये ऐसा अनमोल तोहफा है कि जिसकी हम जितनी तारीफ़ करें और जिसका जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है, और बहुत ही ज़्यादा ही मुफीद साबित होते हैं जब सर्दियों का ख़ास तौर पर मौसम आता है। तो आज हम ड्राई फ्रूट्स की चूँकि बात हो रही है, तो मैंने सोचा चलो ड्राई फ्रूट ही की रेसिपीज शेयर करते हैं। और ये कि इसमें बहुत जो कि बहुत हैवी और ट्रेडिशनल हमारी डिशेज़ में आती हैं, जैसे कि बादामी कौरमा, ठीक है। सेकेंड हमारी जो रेसिपी है वो है आलू बुखारी की चटनी, और थर्ड जो हमारी रेसिपी होगी वो होंगे चिकन चपली कबाब। और आप देखेंगे इन तीनों में ही ड्राई फ्रूट्स यूज़ होंगे, ठीक है। और इनकी अफादियत तो जैसे कि भी हम अपने प्रोग्राम में आगे डिस्कस करते जाएंगे बहुत ही ज़्यादा है। क्या तो कहते हैं ना कि नेचुरल कैप्सूल्स होते हैं हमारे लिए, बिल्कुल ऐसे हर किस्म के बादाम, काजू, अखरोट, ये सारी चीज़ें, तो वो हम साथ साथ टॉपिक पर बात करते रहेंगे। तो मुनीरा, और आप बताएं कि सबसे पहले हम आज क्या बनाना शुरू करेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, एक तो मैरिनेशन स्टार्ट करूँगी चिकन चपली कबाब की, ठीक है। और साथ में आलू बुखारी की चटनी मैं साथ ही ऊपर रख दूंगी, और ये साथ के साथ हमारी डिशेस चलती रहेंगी, बिल्कुल चलती रहेंगी, साथ साथ हम गप भी लगाते रहेंगे, बिल्कुल। और हम मुंतज़िर हैं आपकी कॉल्स के, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, इसमें हम कीमा लेंगे, तकरीबन एक किलो आपने कीमा लिया, अच्छी तरह से आपने उसको बारीक बारीक करवाना है, क्योंकि आपके फिर कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। कीमा किसी का भी हो सकता है ना मुनीरा? आपने अगर वैसे तो आमना चपली कबाब हमेशा बीफ के बहुत अच्छे बनते हैं और उसकी अपनी चर्बी में ही पकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर अब होता है कि आपने कभी थोड़ी वेरिएशन करनी है, तो मैं चिकन चपली कबाब बनाऊंगी। मोस्टली अब ज़्यादातर बीफ के कबाब को इतने शौक से कोई खाता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग होंगे वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चिकन के साथ अगर आप बनाएँ तो वो बहुत अच्छे वो भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो उसमें आप बनाएँगे तो वो तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले नमक, थोड़ा सा हाथ कम रखिएगा, हसबे जायका, ठीक है। वैसे लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून ऐड किए हैं, 2 टीस्पून नमक हमने इसमें ऐड कर दिया। इसमें 1 चम्मच भर के मैं डालूंगी लाल मिर्च की, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश चिली, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। आप देखें मैरिनेट करने के लिए। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन की पेस्ट, थोड़ा सा इसका थोड़ी सी खुशबू भी आएगी इसमें। आपको पता है कि लहसुन की तो बहुत ज़्यादा इसके अफादियत है। और ये हम डालेंगे इसमें है, इसमें हम डालेंगे जिंजर पेस्ट, ठीक है। अब मेरा आप हमें जिंजर पेस्ट भी बनाना सिखाएंगे? मैं सिखाऊंगी। साथ में डालेंगे सूखा धनिया, यानी कि ड्राई कोरिएंडर, ठीक है। अभी हम इसमें दूसरे फ्रेश वाला भी डालेंगे, और साथ में हम इसमें साबुत वाला भी डालेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे, क्योंकि वो बहुत होल मुंह में फिर आएगा तो सही नहीं थोड़ा सा लगेगा। साथ में थोड़ा सा तकरीबन डालेंगे 1 टेबलस्पून आप डालेंगे इसमें जीरा, ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें तो अभी से मुनीरा मुझे खुशबू आ रही है, बस अब देखते जाएं। साथ में हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगी मैं, हरी मिर्च, ठीक है, कटी हुई, हाँ जी कटी हुई हरी मिर्च होगी इसमें। साथ में इसमें हम टमाटर भी ऐड करेंगे, टमाटर भी हमने छोटे छोटे चॉप करके रखे, बिल्कुल चॉप करके रखने थोड़े से। और साथ में इसमें हमने अभी ऐड करना है प्याज, ठीक है, और साथ में धनिया, वो मैं आपको फ्रेश ही काट के दिखाऊंगी, ठीक है। वो दोनों चीज़ें कटे हुए भी हैं, हाँ जी, वो थोड़े से है लंबे वाले, इसके अंदर थोड़े से चाहिए। हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप जब इसको मैरिनेट करेंगे तो इसमें आपने बाइंडिंग फोर्स के लिए इसकी डालेंगे, आप 1 से 2 चम्मच मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें तकरीबन भुना हुआ जो चने का पाउडर होता है आप वो उसमें ऐड करें। मुनीरा, ये हम क्या डाल रहे हैं?
चने का पाउडर, चने का पाउडर, ठीक है, ये चने का पाउडर, अगर वो नहीं है तो आप इसमें मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने 2 टेबलस्पून डाला, हाँ जी 2 टेबलस्पून, ठीक है। उसमें फिर ये होगा कि आपना बहुत अच्छा इसमें इसका एक तो बाइंडिंग एजेंट होगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा, साथ में इसमें मैं डालूँगी 1 अदद अंडा, ठीक है। चलो जी, ठीक हो गया, 1 अंडा डाल दिया, 1 इसमें मैंने अंडा डाल दिया, ठीक है। अच्छा आमना, ये जब भी कोई आप मैरिनेशन करते हैं तो काइंडली ये देख ज़रूर देखा करें कि एक तो क्वांटिटी चीज़ों की पूरी हो, और दूसरा ये कि जब आप मैरिनेट का मतलब है कि आप इसको करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही आपने इसको कर लिया। मैं इसको बल्कि हाथ से ही कर लेती हूँ। आप जब बनाएं तो काइंडली हाथों को ज़रूर अच्छी तरह से वॉश कर लें, ठीक है। ये देखिए ज़रा, और मेरे ख्याल से हाथों से जितना अच्छा मैरिनेट होता है वो स्पून से नहीं होता। हाँ तो वॉश करके अपने हैंड्स को अच्छी तरह से करें हम कर सकते। बिल्कुल, ये देखिए ज़रा, ये बहुत अच्छी तरह से इसको हम करके, इसको मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी फूड कलर भी येलो डाल दूंगी, थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा मैरिनेट करके तो इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, ठीक है। अच्छा, इसको फ्रिज में रख, हाँ जी, ताकि ये थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होके तो अपना थोड़ा सा इसका हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जिस तरह के हमारा नाज़रीन आज टॉपिक है हमारे नट्स पे, हमारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, तो बादाम की बहुत खासियत है एक हमारे, हाँ, कि बादाम सेहत के लिए इतने अच्छे हैं, हमारे दिमाग के लिए। और मुनीरा, क्या ख्याल है आपका, बादाम की इम्पोर्टेंस अपने नाज़रीन को बताते चलें, और आप क्या समझती हैं बादाम? आमना देखें, बादाम वो कहते हैं ना कि ये तो बहुत पुरानी दौर से चला आ रहा है कि जी आप 7 बादाम ज़रूर सुबह के खाने हैं, ठीक है ना। बादामों के लिए तो जितनी भी आप उसके बारे में बातचीत करें, मेरा ख्याल है कि हमारा ये एपिसोड ही ख़त्म हो जाएगा। बादामों का ऑयल बहुत ज़बरदस्त है बालों की खुश्की के लिए, बालों को लंबा करने के लिए। आप एलमंड ऑयल आप किसी भी चीज़ में, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा हो रहा है कि थोड़ी सी चेस्ट की प्रॉब्लम, कोई मसाज वगैरह करनी है, तो आप एलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके कोकोनट ऑयल आप उसकी मसाज करें, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इस तरह अखरोट बहुत अच्छा है हमारे खाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो जितनी भी अंजीर के बहुत ज्यादा फायदे हैं, अंजीर हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये भी साबित हुआ है कि अखरोट के इस्तेमाल इंसान के जो जहन है उसको तेज कर देता है, और हम ये छोटे छोटे इनसे नट्स इतने मुफीद हैं हमारे लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। एक एक हमारा जो ड्राई फ्रूट है उसकी इम्पोर्टेंस अगर हम करें तो शायद प्रोग्राम खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी हम साथ साथ मुनीरा अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या उनके फ़ायदे। बिल्कुल, जैसे कि गर्मियों के मौसम जब आते हैं तो दिन जो उनसे काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो गर्मियों में भी हम बहुत इजीली इसको खाते हैं, जैसे पीनट्स कभी भी हम मतलब उसको ले मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। अंजीर हम खाते हैं, खजूर हम खाते हैं, उसके अलावा हम बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं। काजू की बहुत सारी है, इसमें जब मैं आज बादामी जो कौरमा बना रही हूँ उसमें मैं काजू और बादाम दोनों की पेस्ट बना के, ये मैंने जैसे आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ है, तो ये बड़ी रिच किस्म की हमारी चीज़ें हैं। और ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें इतनी इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है कि अगर हम एक एक चीज़ को भी निकाल के देखें तो हर चीज़ में उसका हर कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा है। तो अगर जब चीज़ें आपको मुयस्सर हों तो मेरा ख्याल है कि सीज़न में एक आधी दफ़ा तो उसको ज़रूर खाना चाहिए। अब तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि उसके हलवा जात बनते हैं, ठीक है। और फिर अब तो ये भी हो चुका हुआ है कि एग्री करेंगे जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं यूके में बैठ के खास तौर पे, कि सुबह के वक्त नाश्ते में जब बहुत ठंड होती है, जब बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अगर आप इस ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना के रख लें तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत रिच है, बहुत रिच है। तो ये बच्चों को भी बना के देना चाहिए और एक आधा दफ़ा आपको खुद भी खाना चाहिए। ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा खाने, हम समझते हैं कि हमने एक चीज़ बना ली है तो उसको बहुत ज़्यादा खा लेना है, हम उसको थोड़ा थोड़ा करके खाएं, 1 टेबलस्पून ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लेने से आपको पिंपल्स का भी कोई इशू होता है, क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं, उनकी तासीर बहुत गर्म होती है। हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के पकवान।
जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हम अपनी फर्स्ट डिश की तरफ स्टार्ट कर दी हमने ऑलमोस्ट। तो मुनीरा हमने इसमें क्या ऑयल डाला है या नहीं? नहीं अभी कुछ भी नहीं डाला हम जो वैसे कि चिकन को मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है, उसको मैं तकरीबन 20 मिनट तक निकाल लूँगी और उसमें बाकी चीज़ें ऐड करके तो उसमें कबाब बनाऊँगी। मैंने इसमें प्याज इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, तो जब मैंने कबाब फ्राई करूँगी तो तभी मैं चॉप प्याज उसमें ऐड करूँगी और साथ थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। ठीक है, अब सेकेंड जो रेसिपी है मैं इसको बना रही हूँ आलू बुखारी की चटनी। आलू बुखारी की चटनी के लिए हमने तकरीबन आलू ये हैं 1 कप की तकरीबन करीब, आप इसको देख सकते हैं मैंने इसको भिगोए थे ओवरनाइट पानी के अंदर। ये थोड़ा सा फूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको आप देख सकते हैं इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चूल्हा हमने पहले से गर्म कर रखा है। ठीक है, इसमें हम तकरीबन 1 कप एक दो दो तीन कप ठीक है 3 कप के करीब पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, पानी जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसको हम पकाने के लिए रख देंगे ऊपर। ठीक है, तो उससे ये होगा कि ये थोड़ी देर पकता रहेगा और इसके अंदर शुगर और जो बाकी की चीज़ें हैं हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। ठीक है मुनीरा, इसको हम अभी पकने के लिए रख रहे हैं? हाँ अभी रख देंगे। अच्छा, उसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी इसके दाने डालेंगे काली मिर्चों के। अच्छा, होता ये है कभी कभी कि हम थोड़ा सा उसके लिए हमें स्पाइसी चाहिए होता है कि थोड़ी सी हम आलू बुखारी की थोड़ी सी स्पाइसी होनी चाहिए, तो उसके लिए इस बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसमें बजाय आप डालें इसमें मिर्चें पीसी भी डालें, आप इसमें ड्राई जो सी मिर्च है वो 1-2 दाने वैसे ऐड कर दें। ठीक है, एक तो उसकी खुशबू भी आ जाएगी और दूसरा इसमें थोड़ा सा उसका फ्लेवर, लौंग थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें 1 दाना और साथ में हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे ये खुशबू के लिए। ठीक है, खुशबू के लिए। हाँ जी, अब हम इसको पकाएंगे। ठीक है, इधर रख के हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे? नहीं, इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसमें पानी थोड़ा सा बबल हो और फिर इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको जब बनाएंगे इसको पकने दें, इसको थोड़ा सा जब ये थोड़ा सा पकेगा फिर इसमें हम ऐड करेंगे सिरके का 1 कप, यही वाला 1 कप जो मैंने पानी का ऐड किया है। और अगर आपके पास सिरका इसकी बजाय अगर आप इमली का पानी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मेरे पास दोनों ही मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा इमली का पल्प ही यूज़ करूँगी और साथ में सिरका भी यूज़ करूँगी, उसकी खटाई बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, इसको फिर पकाएंगे, मिक्स कर देंगे हम इमली के पानी को और हाँ जी फिर इसको हम जब पकाएंगे फिर इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आपने हंसबे ज़रूरत तो मतलब ज़ाहिर है आप मीठी तो होगी, ये तो नहीं कि अब आपने फीकी बनाई, कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिच फॉर्म में होती हैं। फिर हम इसमें तकरीबन जितना आपने इसमें डाला था ये पानी 1 कप, उसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप आप इसमें चीनी ऐड कर लें, चीनी को आप टेस्ट कर लें कि जितनी आपको मिठास उसकी चाहिए। आप इसको फिर थोड़ा सा गाढ़ा करें, आप ये बहुत अच्छा इसका ग्लेज आ जाएगा। उसके बाद जो इसकी गार्निशिंग में आती हैं चीज़ें वो आते हैं चारों मगज और साथ में कटे हुए बादाम। ठीक है, वो फिर हम इसको बिल्कुल एंड में करेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम बनाते हैं बादामों का तो बादामों की पेस्ट निकाल के उसके एसेंस में हम इसको पकाते हैं और उसको बना के इसको फिर दूध में भी आप मिक्स करके पी सकते हैं बादामों के जूस को, आप इसको पानी में भी पी सकते हैं। तो ये फॉर्म्स ऐसी हैं कि आप इसको हलवा जात में यूज़ कर सकते हैं। अब तो बेकरी में उसमें केक्स लेवल में भी बहुत ये चीज़ें आलमंड वगैरह बहुत आपको बगैर तो केक और गार्निशिंग वगैरह बिल्कुल अनकम्प्लीट होती है। और आपको तो ब्राउनीज में जब बनती है तो अखरोट इतने उसमें गार्निशिंग में खूबसूरत आते हैं, तो इन सब चीज़ों की अफादियत है और इन सब चीज़ों को खाने चाहिए। और वो कहते हैं ना मेरा बालों की स्याह करने के लिए भी सुना है कि बहुत मुफीद है, बिल्कुल उसके लिए भी, और ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनकी उनकी क्योर के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके इस्तेमाल करने से तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आम ना अगर आप ज़्यादा खा लें तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा खा लें तो मेरे से ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, बढ़ सकता है। जैसे मूंगफली खा लें बहुत ज़्यादा आपका बीपी बहुत हो जाता है, आपको समझ नहीं आती है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उसको खा लें। मैंने पढ़ा है कि मूंगफली जो होती है ना वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी होती है, वो आपका कंट्रोल रखती है। बिल्कुल, हर नट छोटे से छोटे अल्लाह की शान है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ की कितनी अफादियत है।
हम अगर उस पर बात करें तो कम, जितनी बात की जाए वो कम है, उतनी ही कम होगी। और फिर वही बात आ जाती है कि जैसे कि आज मेरी रेसिपी हैं चल रही हैं ये ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स को समझ आ रही होगी कि हम उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये सब अल्लाह की बनाई हुई नेमतें हैं, इनको ट्राई करना चाहिए, अपनी रेसिपीज़ में ट्राई करें, आप इनको रूटीन में लेकर आएँ, जो चीज़ें आपने कभी खाई नहीं या कभी आपने सोचा चखी नहीं, तो आप उनको जैसे कि अब ये हम बना रहे हैं चटनी बना रहे हैं, आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, आपके वो ड्राई फ्रूट जो कभी आप थोड़े से रह गए हैं आप इसमें ऐड करके भी आप उसको देखें, आपके बहुत अच्छी इनोवेशन होगी, बहुत अच्छी फ्यूजन होगी। तो वो यही वही बात आ गई आमना कि जब हम चीज़ें बनाते हैं न्यू रेसिपीज़ लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ी सी क्रिएशन अगर करेंगे तो और नई से नई चीज़ बनेगी, नई से नई चीज़ भी बनेगी और आप लोगों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि विटामिन और अपने खाने की इनटेक अगर अच्छी हो जाए इंसान की सेहत भी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, और सेहत अच्छी होती है तो जिंदगी अच्छी हो जाती है। वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, इंटरलिंक है, बिल्कुल कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो अगर आपका दिल और आप इंजॉय कर सकते हैं जिंदगी में अपने फ्रूट्स को, जिस चीज़ को, जो जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, ज़्यादा से ज़्यादा करें। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, तो ये जितनी भी हम करें तो उतनी ही चीज़ें हमारे लिए कम हैं, तो लेकिन आप इसको हम यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। ड्राई फ्रूट्स के अगर आप जैसे कि बताएं, वो बड़ी फेमस हमारी पाकिस्तान की वो रेसिपी है पंजीरी, जिसमें आमना सारी ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, मुनीरा उसमें तमाम उसकी जो उसकी जो इसमें जो चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरा हाल मैंने पंजीरी में देखी हैं, जैसे कि चारों गोंद हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद मगज़ हो गए, कमरकस हो गई, फिर उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक बीमारी से बचने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आजमूदा है और इसको यूज़ करने के बहुत फ़ायदे हैं, बेशक, और आपका एनर्जी लेवल भी बूस्टअप होता है। बिल्कुल, आपको पता है कि आज भी पाकिस्तान में आप जाएँ मुख्तलिफ शहरों के देहातों में तो वहाँ की जितनी भी खवातीन हैं वो उनकी लाइफ में आज भी यही है कि उन्होंने सुबह उठ के बादामों के लड्डू खाना है, एक सुबह उठ के, ठीक है, उनकी 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 उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर उन्हें पंजीरी खानी है, फिर उन्हें अलसी के लड्डू खाने हैं, गुड़ के लड्डू खाने हैं, उस पर तमाम ये चीज़ें ऐड करके, तो ये बड़े रिच किस्म का हमारा कल्चर है और ये पाकिस्तान के पकवान में हम तमाम चीज़ें आमना लेकर आएंगे और शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। और लेकिन हमें चाहिए कि वो हमें फीडबैक दें, हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि करें, हमसे रिक्वेस्ट करें, ताकि हम कुछ बातें जो हमें नहीं पता वो हमें बताएं। बिल्कुल, हमारे साथ नाजरीन पार्टिसिपेट करते रहें, हमें देखते रहें, अप्रिशिएट करते रहें और घर में हमारी जो हम डिशेस बना रहे हैं आप लोग भी ट्राई करते रहें। बिल्कुल इस तरह ही है। अब हम इसमें देखेंगे, अब पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा अब ये बॉयल हो रहा है, ठीक है ना, अभी हो रहा है ना, हाँ जी, इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी। कितनी शुगर ऐड की मुनीरा जी? शुगर मैंने अभी इसमें तकरीबन अभी इसमें आधी प्याली यूज़ की, अभी मैंने थोड़ी और डालनी है जो उसकी बाकी रहेगी, थोड़ा सा मैंने मिठास थोड़ी सी इसमें आ जाए, ठीक है, इसे इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प है, मैं पहले ये थोड़ा सा डालूंगी, ये देख सकते हैं। ये कितने चम्मच हम डालें? तकरीबन चार चम्मच, ठीक है, गुठलियाँ निकाल लेंगे ना हम। अभी से मैंने पल्प डाला है, गुठली किसी की भी नहीं डाली मैंने, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सरका ऐड करेंगे, यह है सरका, विनेगर सिंथेटिक है बिल्कुल, वो यूज़ करेंगे, आप देखिए किसकी खुशबू आपको आएगी भी, ठीक है, देखिएगा भी। मुनीरा हमारी सेकंड डिश क्या होगी आज? ठीक है, अभी इसको पकने दें। अच्छा, आज की जो हमारी अपना सेकंड डिश है वो है बादामी कोरमा। बादामी कोरमा, हाँ जी, उसके लिए हम इसको स्टोव को ऑन कर लेते हैं ताकि ये रेसिपी हमारी बनती रहेगी इसकी, ठीक है ना, और ये भी साथ साथ पकता रहेगा। वो चपली कबाब भी हमने मैरिनेट करके उसका, हाँ, इसको ज़रा हम थोड़ा सा इसकी हम ग्रेवी सी बना लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसको कबाबों की तरफ आ जाएंगे और ये चटनी हमारी बनती रहेगी। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, आप अगर डालेंगे हस्पे ज़रूरत ही डालेंगे तो आपका ऑयल भी कम यूज़ होगा और वो कहते हैं कि जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा हाथ अपना रख के, बिल्कुल नहीं कि आप तो सेकंड डिश हम स्टार्ट करते हैं, कर ही रहे, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा, ताकि हम देख सकें कि कैसे बादामी कोरमा बन रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा, आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हमारा बादामी कोरमा जो है वो रेडी होने लगा है। तो सबसे पहले मुनीरा ने जिसने हमें बताया था, इसमें हमने ऑयल डाल के, जी हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हम इसमें डालेंगे प्याज, तकरीबन डेढ़ इसके है इसके प्याज के कटे हुए, इसको हम स्लाइस शेप में कट कर लिया, ठीक है। और इसको हम अब फ्राई करेंगे, ठीक है। ये फ्राई हो रहा है, इसके साथ जो हमें इसकी चीज़ें जो मेन चाहिए होंगी वो है ये काजू और बादाम की पेस्ट, जिसको हम मिक्स करेंगे, क्रीम में भी मिक्स कर सकते हैं और हम इसमें योगर्ट में मिक्स कर सकते हैं। और बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स में आएंगे वो होंगे नमक, मिर्च, साथ में हल्दी, साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट, साथ में होगा खड़े मसाले के, साथ में होगा उसका खड़े मसाले के जो मसाला जाता है उसमें लेंगे लौंग, साथ में होगी दालचीनी और साथ में लेंगे मोटी इलायची। इन तीनों को पीस के पाउडर फॉर्म में अगर आप डाल लेंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, ज़रा आपके कोरमे में उसकी थोड़ी सी ना उसकी अच्छी स्मेल आएगी, ठीक है। इसमें सूखा धनिया होगा, साथ में उसका पाउडर आप फॉर्म में भी डालेंगे, फ्रेश कोरिएंडर उसमें डालेंगे बिल्कुल एंड में, साथ में हरी मिर्चें डालेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और ये देखें साथ में चटनी भी पक रही है, ये भी पकेगी तकरीबन और थोड़ी देर के लिए, इसको पकने के लिए, हाँ ये पकती जा रही है। अच्छा, इसके लिए हमने अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है या बस सिर्फ फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, हम ना ब्राउन नहीं करते हैं, हम जब बनाते हैं ना पुलाव वगैरह तो उसमें हम इसको काफ़ी तेज़ ब्राउन कर लेते हैं, या जब हमने कोई बनानी होती है मुगलाई हांडी बनानी होती है या कोई मुगलाई कुजीन में बनाना होता है, फिर हम इसको ब्राउन करके फ्राई करके तो उसको निकाल लेते हैं पेपर चावल के ऊपर रख के, फिर इसको ब्लेंड करके फिर उसमें उसको मिक्स करके मैरिनेट करके रख देते हैं। अब चूँकि हम इसका बना रहे हैं बादामी कोरमा, तो हम इसकी पहले बनाएंगे ग्रेवी सी बनाएंगे, जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ ग्रेवी बना के इसको, तो फिर इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे, ठीक है। चिकन का कट थोड़ा सा मैंने ज़रा बोटीज़ की थोड़ी कोरमे की थोड़ा सा कट बड़ा होता है तो मैंने उसके बोटीज़ की थोड़ी सी बड़ी कटिंग में ही करवाई है, ठीक है। लेकिन छोटी भी करा सकते हैं, छोटी आम ना कढ़ाई कट में आ जाती है, ठीक है ना, जैसे चरगा की कटिंग और होती है, उसकी लेग पीस अब जब खाते हैं तवा चिकन वगैरह उसकी कटिंग और होती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप जाएँ तो पता हो वेंडर को भी कि आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये देखिए अब इसका प्याज हल्का सा भी ब्राउन हो रहा है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे अब जी, तो नाजरीन यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है मदीहा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मदीहा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। इंजॉय करी है हमारा प्रोग्राम? जी बिल्कुल, आलू बुखारे की मज़े की चटनी बन रही है जी। तो आप सीख रही हैं फिर? जी बिल्कुल सीख रही हूँ। और बादामी कोरमा? कोरमा तो खैर मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन चटनियों की शौकीन हूँ। चटनियों की शौकीन है जी। तो आप ड्राई फ्रूट्स के हवाले से जो हमारा आज कोई जो टॉपिक है उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? ड्राई फ्रूट्स तो ऑब्वियसली सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली सर्दियों में। आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट कौन सा है? मुझे काजू पसंद है। काजू पसंद है, तो वो आप सिर्फ सर्दियों में ही खाती हैं, गर्मियों में भी आप ले लेती? खाने के मामले में मैं चूज़ी हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही खाती हैं। तो मुनीरा के लिए कोई रिक्वेस्ट, कोई आप कहना चाहेंगी, बात करना चाहेंगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल मुनीरा से बात करवाइएगा जी। मुनीरा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अपने जादुई हाथों से आप मज़े मज़े की चटनियाँ बना रही हैं? बिल्कुल बना रही हूँ, और आप सीख रही हैं ना, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सीख भी रही हैं और देख भी रही हैं। जी सीखना तो ज़रूरी है, आगे हमारे काम भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप क्या फरमाइश अच्छा। करना चाहेंगी? मैं आपसे फरमाइश करूँगी लज़ानिया बनाना सिखा दें। ज़रूर ज़रूर, कौन सा वाला, चिकन वाला, वेजिटेबल वाला, कौन से वाला? चिकन वाला। चिकन वाला, ठीक है, आपको लज़ानिया बनाना सिखाएंगे जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड योर कॉल। बड़ी खुशी होती है जब हमारे व्यूअर्स हमें कॉल करते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, और फिर फरमाइश करते हैं, फिर अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। और फिर अगले दिन हम उनकी खिदमत में इसलिए हाजिर हो जाते हैं क्योंकि उनको हमारा शो पसंद आए। बिल्कुल ऐसे, इसी तरह हमें सराहते रहे, पसंद करते रहे, क्योंकि इनकी फीडबैक से तो हमें मोटिवेशन मिलती है, बूस्ट अप एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, आप देख सकते हैं चटनी बन रही है अभी, इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अगर आप कहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देती हूँ चटनी में। हाँ जी, रेड कलर का ना, बिल्कुल थोड़ा सा ड्रॉप ऐड करूँगी।
नाज़रीन, हम चरगोज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे हम अपने नट्स की बात कर रहे थे, तो चरगोज़े जो हैं, मुनीरा क्या ख्याल है आपका? चरगोज़े और अफ़ग़ानिस्तान के जो पाकिस्तान में हमारे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, कोयटा, पेशावर वगैरह, वहाँ बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है चलगोज़े, वो कहते हैं कि बड़े नफीस लोग खाते हैं, बड़े तरीके से बैठ के आराम से। तो चलगोज़े पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, चलगोज़े आपको पता है मुनीरा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कुदरती वसाइल हैं जिसको हम हमारे जाती हैं चीज़ें। और यहाँ से सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ इसके अलावा भी बहुत से और भी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होते बाहर जाती हैं, कपड़े हैं जैसे, उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें, मतलब खुद भी कभी जाओ तो जब पता चलता है हमारा ऊपर लिखा होता है नाम मेड इन पाकिस्तान, तो बड़ी उसकी खुशी होती है, ठीक है ना। तो ये चरगोज़ों के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उनको हमेशा खाने के बाद खाया जाए, अगर पहले खा लें तो आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, ये भी है। और दूसरा, जब आमतौर पे जब ये न्यूट्रिशनिस्ट को आई थिंक कि मेरा मतलब वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन सुनने में यही है कि जब डाइट करते हैं तो डाइटिंग में सबसे पहले जो हाई प्रोटीन में वो डाइट करते हैं तो नट्स में ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि नट्स का इस्तेमाल से एक तो उनको ताकत मिलती है और दूसरा ये ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं। पीनट्स, हाँ बिल्कुल, चाहे वो पीनट्स हों, बादाम हों या ड्राई फ्रूट्स हों, ठीक है ना। ये आप देखें उसका कलर थोड़ा सा कैसा आपको लग रहा है, जबरदस्त, ठीक है ना। अच्छा, अब तो ये बॉईल होता रहेगा मुनीरा? हाँ, इसको जितनी देर हमें पकाएंगे ना इसको उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा, एटलीस्ट गाढ़ा होएगा। हाँ जी, और गाढ़ा भी होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसका कलर, आलू बुखारे की जो चटनी है ये उसके बीजों के साथ ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, आलू बुखारे की चटनी उसके बीजों के साथ ही होती है। कई लोग पील ऑफ करके भी, जैसे नहीं, इमली को डाल देते हैं। नहीं, इमली को तो हम पल्प डालेंगे ना, इमली को पल्प, उसको इमली को पकाएंगे, उसको लैदा से करके उसका फिर पानी ऐड करेंगे। और ये जो आलू बुखारे की चटनी है ये एज इट इज होगा, इसको रात को भिगो देंगे, बिल्कुल बिल्कुल छोटे साइज का होता है, श्रिंक्स होता है, जब ये भीगा रहेगा साइड तो बहुत जल्दी फूल जाता है, सुबह जब उठेंगे तो फूला होगा, उसको फिर हम पकाएंगे तो उसके उसी के पानी में, जो आलू बुखारे का पानी ये उसी में पकेगा और साथ पानी उसमें और ऐड करेंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर सा आएगा, ठीक है। अच्छा, हमने हम अपनी ग्रेवी सी बना रहे हैं, इस पर हम डालेंगे मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच, ठीक है, 1.5 चम्मच, हाँ, चाय की साथ में चम्मच, आधी चम्मच इसमें नमक हमने इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी ऐड करेंगे हल्दी ऐड, ठीक है। अभी हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से ताकि ये पक जाए अच्छी तरह से, और फिर इसमें हम टमाटर, खुशबू तो अभी से मैं जी बिल्कुल यही तो इतना खुशबुओं पे एम्फसाइज करती हैं, और यहाँ पे हमारी हमारे पूरे किचन में जितनी खुशबुएं फैल रही होती हैं आप सिर्फ देख सकते हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि कितना टेम्पटिंग होता है खाना। बिल्कुल ऐसे ही है, हम ना आप देखें कि इसकी तीनों चीज़ें इसमें रचपस गई हैं, इसमें ग्रेवी ने ऑयलिंग उसको बिल्कुल अलग से कर दी है। अब हम इस पानी नहीं ऐड करूँगी, पानी की जगह मैं इसमें टमाटो पेस्ट जो मैंने इसको ताज़ा टमाटर लिए हैं उसके मैंने उसको ब्लेंड किया है और इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनेगी, फिर इसमें हम इसको इस ग्रेवी को ब्लेंड करेंगे ताकि जो ये हमें प्याज वगैरह नज़र आ रहा है ये बिल्कुल नज़र ना आए। फिर इसमें हम चिकन डिसॉल्व हो जाए, बिल्कुल, फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, और फिर चिकन के साथ उसकी बाकी की तमाम लवाजमात ऐड करके इसको हम पकने के लिए साइड पर रख देंगे। ये पकेगा तकरीबन 25 to 30 minutes, 25 to 30, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारे जो हमें कबाब मैरिनेट करके रखे थे चिकन के, कीमे को बाहर निकालेंगे और उसके कबाब स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने उसके लिए ये धनिया भी काट लिए और बिल्कुल फाइन चॉप में मैंने इसके लिए प्याज भी काट लिए, ठीक है जी। तो नाजरीन, बातों का सिलसिला चलता रहेगा और खाना भी हम साथ पकाते रहेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के पकवान, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हमारे यहाँ पे पूरे किचन में खुशबू बार बार मैं आपको बता रही हूँ फैली हुई है और मुनीरा मज़े मज़े की डिशेज हमें सिखा रही हैं। और साथ साथ हम अपने टॉपिक पे भी बात करें जो कि हैं ड्राई फ्रूट्स। तो आप भी पार्टिसिपेट करें, कॉल करें हमें। मुनीरा भी हमने प्याज और बिल्कुल प्याज जो मैंने आपको बताया था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं चिकन के पीस ऐड करूंगी, इसमें टमाटर की पेस्ट भी डाली थी, नमक मिर्च वगैरह सब डाल के सब कुछ डाल अब इसमें हम चिकन के पीस ऐड करेंगे, पीसेस ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है, जब वो अच्छी तरह प्याज आपके डिसॉल्व हो जाए उसमें वो एक गाढ़ी थिक सी फॉर्म आ जाए, बिल्कुल ऐसे देखो। और दूसरा ये भी होता है कि आपकी थोड़ी सी ग्रेवी अगर अच्छी सी बन जाएगी ना आमना, तो आपका कोरमा भी बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। ये सेम हम अगर बीफ में या मटन बना रहे हैं तो हम सेम यही कर सकते हैं? नहीं, अगर आपने मटन बना रहे हैं या बीफ बना रहे हैं तो उसके लिए आपको बीफ या और मटन अलग अलग से अगर ऐसे है उसमें प्याज साथ में साबुत जो मसाला जाते हैं वो और साथ में अदरक और साथ में लहसुन की पेस्ट वो डाल के पानी में डाल के आप उसको पकने के रखते हैं। जब वो गल जाएगा और उसके अंदर बिल्कुल उसका वो देखेंगे कि उसका बिल्कुल सही हो गया है, फिर उसमें हम ऑयलिंग ऐड करेंगे, फिर उसके बाद टमाटर पेस्ट ऐड करेंगे, नमक मिर्च हल्दी ऐड करेंगे, ठीक है। यानी उसकी थोड़ी डिफरेंट होगी। हाँ, क्योंकि सर उसको टाइम लगता है ना आमना। तो नाज़रीन आप लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें वो अकॉर्डिंग टू जो शेफ़ मुनीरा आपको बता रही हैं उसी के अकॉर्डिंग करें। बिल्कुल, दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं ये हमने जो उसकी बना रही है चटनी आलू बुखारे की, ये देख सकते हैं अगर आप अपने कैमरा में कि ये बहुत थिक हो गई है, ठीक है। इसमें हम अभी ऐड करेंगे चारों मगज़ इसमें थोड़ी सी इसकी आएगी, जबरदस्त ये हम स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, पता चलेगा। थोड़ा सा इसमें डालेंगे बादाम, ये भी मैंने इसमें सिर्फ पकने में डाली ताकि पके, ठीक है ना, कटे हुए बादाम। अच्छा हम ना एक और भी चीज़ में मुझे भी आ रही थी जहन में कि छुआरे वो भी बड़ी ड्राई फ्रूट की बड़ी ऐसी चीज़ है कि जो कि शादियों में तो हम खाते ही हैं ज़रूर, हम समझते हैं सिर्फ शादियों पे मिल गए। नहीं नहीं, शादियों में नहीं खाते आप इसको ड्राई, इसको जब हम बनाते हैं जैसे कि हम बनाते हैं इसका, मैं पुलाव एक बनाती हूँ जिसमें गाजर उसमें ऐड होती है और साथ में खजूर होती है जिसको हम फाइन चॉप करके सौते करके इसमें ऐड करते हैं। तो इसी तरह ये भी अगर हम इसका भी इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ शादियों में खाना है, वैसे भी अगर हम घर में इसको जैसे हलवा बना रहे हैं उसमें हम इस पर गार्निशिंग के तौर पर बहुत इसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हाली अखरोट, तो मैं अभी बात हो रही थी कि अखरोट कभी कभी समटाइम मुँह को बड़ा खुश्क सा कर देता है, उसकी बड़ी होती है कि जी अखरोट तो अच्छा लगता है लेकिन मुँह बड़ा खुश्क सा हो जाता है, तो अखरोट का हलवा बहुत मज़े का बनता है। तो आप इनको पीस के छोटे बच्चे जैसे हैं उनको ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा तो हमारे पाकिस्तान में गुजरात में बड़ा गुजरावाला तो होता है खाने पीने का शहर है, वहाँ पे तो माशाल्लाह से सारे ही बहुत शौकीन होते हैं खाने पीने के, वहाँ पे तो खास तौर पे जाते हैं चिड़े और बटेरे खाने के लिए, पाकिस्तानी हर जगह है चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या कराची हो। बिल्कुल, अब तो खैर जहाँ जहाँ पे जहाँ जहाँ मैं कहती हूँ पाकिस्तानी रहते हैं वो उनको हमेशा ये पाकिस्तानी खाने बहुत मिस करते होंगे और उनको आज जो हमारे जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे कि भी ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है कि हमें बैठे जहाँ पर बैठे हैं उनको ये हमारी बातें और ये सब चीज़ें जो हम शेयर कर रहे हैं उसको बहुत उनको अच्छा लग रहा होगा। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, बल्कि पाकिस्तान तो अब जाना जाता है अपने खाने और पकवान की वजह से बहुत ज़्यादा। हमारे लाहौर शहर में चले जाएं, आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, जितनी खानों की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ और जगह हैं तो उतनी मेरे ख्याल से शॉपिंग सेंटर्स नहीं है जितना खाने के हमारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से तिक्के मिल रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है, कहीं पर चाइनीज़ कुज़ीन है, कहीं पर बिरयानी, हर जगह ऐसे ही। और यहाँ पर तो ये भी होता है कभी कभी आमना कि कभी कोई आ जाए अगर तो सदा फिक्र ये खाई जाती है कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं उस सुबह नाश्ते में उनको क्या देना है, ब्रेकफास्ट में उनको आपने लंच में क्या देना है। ये भी हमारे कल्चर की बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जब हमारे घर मेहमान आ जाते हैं और जिस तरह हम उनकी इज्जत और जितने मेहमान नवाज पाकिस्तानी हैं ये तो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि उनका इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, जिस तरह पाकिस्तानी मेहमान नवाजी करते हैं बड़े प्यारे लोग होते हैं। अब हमने आमना जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें मैंने योगर्ट ऐड कर दिया, योगर्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी इसमें बादामों की पेस्ट, बादामों आप देख सकते हैं और काजू भी आपने बताया था काजू के साथ, ठीक है ना। अब इसको उसका थोड़ा सा आएगा इसमें इसका फ्लेवर आएगा योगर्ट के साथ, ठीक है, ताकि जब इसकी हम इसका बेसिकली जो पेस्ट बनाई है
जब इसकी ग्रेवी हम खाएंगे तो ग्रेवी में आपको बहुत ज़बरदस्त रिच किस्म का उसका आपको फ्लेवर मिलेगा। तो ये इसका बेसिकली इसका मेन उसका होगा जिससे आपको पता चलेगा आइडिया। आपको देख सकते हैं अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के रख देती हूँ ताकि ये पके। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल। हाँ, चिकन के लिए पकने के लिए ज़रूरी है। अब हम इस पर अपनी थर्ड रेसिपी वो स्टार्ट करेंगे कबाबों की। ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी हमें टाइम लगेगा। चपली कबाब, चपली कबाबों में। ठीक है ना, तो ये हमने बादामों की इस पर पेस्ट ऐड कर दी है और ये हम रख देंगे। हाँ, इसको रख देंगे थोड़ा सा ज़्यादा पके, साथ साथ इसको हम भूनते जाएंगे। ये नहीं कि बिल्कुल इसको छोड़ देंगे, इसको भी हमें साथ साथ भूनना है। ठीक है ना, तब तक हम चटनी देखते हैं। चटनी को थोड़ा सा भी हमारी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अगर आप कोई मुझे प्लेटर दें वहाँ से, कोई नीचे से मैं देखती हूँ तो फिर उस पर से डालते हैं इसको। थोड़ा सा मेरा ख्याल अभी और पकने दें इसको थोड़ी देर बाउल में, इसको हम ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा और थिक फॉर्म में आ जाए। इसको हम बाउल में जब डालेंगे तो एक तो ये होगा कि इसकी गार्निशिंग करेंगे ऊपर से, और इसको जब ठंडा करके हम इसको खानों में शादियों में जब जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कि दो चीज़ें मस्त जाती देखी जाती हैं, एक आलू बुखारे की चटनी और दूसरा गाजरों का हलवा। क्योंकि अब ये इतनी हमारी ट्रेडिशनल डिशेस दोनों बन चुकी हुई हैं दोनों ही, कि अगर शादी में ये दोनों चीज़ें ना हो तो लगता है कि शादी तो देख के हैं। लेकिन समोसों के साथ, हाँ नहीं 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 हम ना आलू बुखारे की चटनी के साथ तो चने वाली चटनी होती है, लेकिन शादियों में जब हम इनको देखते हैं तो उसके बगैर बड़ा हमें अजीब सा लगता है। यहाँ पे मुनीरा हमारे साथ इस टाइम एक कॉलर हैं, देखते हैं कहाँ कौन बात करें और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं और किधर से बात कर रही हैं? मैं नेहा बात कर रही हूँ, मैं कैमरे से बात कर रही हूँ। और मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एंजॉय कर रही हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, और मैं देख के मेरे मुंह में जो है ना वो पानी आ गया। खास तौर पे ये जो चप्पल कबाब है ये तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं। बस बनने वाले हैं अभी। बस मैं सोच रही हूँ कि मैं आज शाम को जो है ना वो ट्राई करती हूँ ये चपली कबाब। बिल्कुल, और फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें। आमना नेहा बात कर रही हैं। नेहा, नेहा आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी या कोई कुकिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हमारे साथ? बस मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि शेफ मुनीरे से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली ना जो नरगिस के कोफ्ते होते हैं वो प्लीज़ मुझे बनाना सिखाइएगा। मैं चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी डिशेज जो ख़ास तौर पे स्पेशल ये वाली डिशेज होती हैं ना वो बनाना सिखाएं हमें। ज़रूर सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। बल्कि अपने आने वाले प्रोग्राम्स में हम इसको अपने मेन्यू में रखेंगे और आपको बनाना सिखाएंगे नरगिस के कोफ्ते इंशाल्लाह ताला। जी नेहा, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा कितना, ये भी हमने रख दिया जी। बिल्कुल, ये देखिए हम ना इसको हमें अभी इसको हम पकने देंगे, ये भी पकेगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने कीमा निकाल के मैं इसकी थोड़ी सी जगह बना लूँ। वो जो हमने चपली कबाब की तरफ अब आएंगे। हाँ बिल्कुल, अब हम चपली कबाब की तरफ आएंगे। चपली कबाब का जब नाम आता है ना तो पता नहीं क्यों पेशावरी, थोड़ा सा पेशावरी, क्योंकि बिल्कुल पेशावर से चपली कबाब आए कुछ इस तरह। मुनीरा से हम पूछ सकते हैं, हम इन्हीं से सीख रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये बेसिकली जब हम पेशावर जाएं तो पेशावर के चपली कबाब ना खाएं। उसके जो बड़ा साइज़ का कबाब होता है और उसके अपनी ही चर्बी में उसको पकाया जाता है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का बनता है। हर एक शहर की एक अपनी ही एक रवायत की अपनी खासियत होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो हम आज उसको उस जैसा बनाने की ट्राई कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा वो जब देखेंगे। देखिए मैं इनको बता रही हूँ कि जब हम कटिंग करेंगे तो हमने बहुत फाइन चॉप करनी है कटिंग, क्योंकि चपली कबाबों के लिए मैंने धनिया तो बारीक कर लिए, थोड़ा सा मैंने वो भी बारीक कर लिए। जी मुनीरा, हम यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Thank you.
جی ویلکم بیک ناظرین, اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پکوان اور سیکھ رہے ہیں مزے مزے کی ڈشز بنانی. تو اس وقت ہمارا جو یہ بن گیا نا آلموسٹ, نہیں آمنا ابھی یہ پک رہا ہے, اس کو بھی ٹائم تھوڑا سا لگے گا. ابھی ہمارا یہ پک رہا ہے لیکن ہمارا آلو بخاری کی چٹنی آلموسٹ ریڈی ہے, اور چپلی کباب پہ ہم لوگ, چپلی کباب اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکے ہیں, میرینیٹ ہو چکے ہیں. ابھی اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا یہ جو فریش چیزیں ہیں اس کی. اس سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھ لیتے تھوڑا سا آلو بخاری کو, تھوڑی سی چٹنی اس کی یہ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسچر ٹھیک ہے, گاڑھا ہو گیا کافی. ہاں اس کو ہم جتنا پکائیں گے تھوڑا سا اور گاڑھا ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آلو بھر تک ٹھنڈا ہو جائے, تب تک ساتھ ساتھ اپنے کباب کو فوکس کرتے ہیں. ٹھیک, اور ہمارا یہ جو بادامی قورمہ ہے یہ ابھی ہو, ہاں یہ بھی ہو جائے گا, اس کو بھی ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں. کتنی خوبصورت اس کی لک آ رہی ہے نا منیرہ. دیکھیں ہم نا ہر چیز اگر آپ اس کو طریقے سے بنائیں تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے تھوڑا سا, لیکن دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. اگر کوئی چیز مزے کی ہو تو اس کو کھانے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے, پھر آپ ٹرائی بھی کرتے ہیں. پھر بالکل ایسے ہی ہے, اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈالیں گے فریش اس کی گارنش, ٹھیک ہے, اور ساتھ اس کے اوپر ڈالیں گے. اچھا ہم اپنے ناظرین کے لیے ساتھ ساتھ ریسیپی کارڈ بھی چلا دیتے ہیں جنہوں نے مس کر دیا اجزائے انگریڈینٹس, تاکہ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں آلو بخارے کی چٹنی کے لیے. تو یہ ہم سارا ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا. جی تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اپنے نٹس پہ, اور یہاں پہ ہم انجیر کی بھی بات کرتے چلیں. انجیر کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے, تو منیرہ آپ بتائیں کہ انجیر کے ہمارے ہاں کتنی امپورٹنس ہے, اور ہمارے کتنے فائدے ہیں, کتنی بیماریوں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے انجیر سے. سب سے پہلے تو میرا حال ہے کہ جن لوگوں کو کانسٹپیشن کی شکایت ہوتی ہے, اگر وہ تقریباً 3 سے 5 دانے اس کو پانی میں بھگو کے رکھیں اور اس کو کھائیں, نہار منہ کھائیں, تو یہ بہت ہی افیکٹیو ہے, بہت زیادہ افیکٹیو. اور ایٹ لیسٹ 2 تو ضرور اس کو کھانے چاہیے دن میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جن لوگوں کو تھوڑی سی پیٹ کی پرابلم ہے یا ان کو لگتا ہے کہ وہ فوڈ کوئی سا بھی کھاتے ہیں ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا, تو وہ بہت زبردست اس کی چیز رہ جاتی ہے. بچوں کے لیے بہت اچھی ہے, یہ بچوں کو بھی دینا چاہیے. اور میوے کا استعمال بھی جو ہے کانسٹپیشن کے لیے اچھا ہوتا ہے بہت. آپ کو دیکھیں جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا, تو جیسے انجیر کا ذکر ہے قرآن پاک میں, اسی طرح یہ میوہ جات کا بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے, لیکن ان کے طریقے کا اگر تھوڑے سے دیکھیں, ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے کھائیں, تو ہم آپ کو یہاں پہ اپنی ریسیپیز کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اس کو اب کیسے بنایا جا سکتا ہے. میوہ جات تو جتنے بھی ہیں, آپ تمام حلوہ جات میں اس کو عام روٹین میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ایسے کریں کہ جیسے کہ میں نے بنایا تھا چنے کی, اس کا پاؤڈر بنا کے فارم میں حلوہ, آپ خالی اس کو اگر حلوے کی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ بہت ہیوی ہو جائے گا ڈیلی, ذرا ڈائٹ کانشیس بھی بہت ہوتے ہیں, تو آپ پاؤڈر کو خالی جسٹ فارم میں آپ کر لیں, اس میں میوہ جات, بادام, ساتھ میں انجیر اور ساتھ میں پستہ, آپ ان تینوں کو بلینڈ کر کے اس پاؤڈر کو اس میں مکس کر دیں, اور ساتھ میں تھوڑی سی تقریباً مٹھاس کے لیے آپ اس پہ گڑ کی ایک ڈلی لے لیں, اس کو بلینڈ کر دیں. روز اگر آپ اس کو صبح اٹھ کے ایک چمچ کھائیں تو یہ بہت زیادہ طاقت والی ہے, اور اس سے آپ کو بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اور بچے جو بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ ڈرائی فروٹس تو آپ ضرور کھلائیں, چاہے وہ آپ ان کو ڈیری پروڈکٹس میں ایڈ کر کے دیں, چاہے آپ اس کو فوڈ میں جیسے ہم بنا رہے ہیں ویسے ایڈ کر کے دیں, جیسے حلوہ جات میٹھا میں ایڈ کر کے دیں, تو ان کو مختلف طریقوں سے ہم ان کو کھلا سکتے ہیں. جو لوگ اسکپ کر دیتے ہیں یا ان کو یاد نہیں رہتا کہ ڈیلی انٹیک میں اگر ہم نٹس یوز کریں تو وہ اپنے کھانے میں یوز کر سکتے ہیں. یہ ظاہر اس طرح منیرہ آپ کو بتاتی رہیں گی, اپنی ڈشز میں لے آئیں اس کو. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تازہ خون بنانے میں یہ بہت مدد کرتا ہے, جن میں جو بہت انیمک سے ہوتے ہیں ان کی تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے خون نہ بننے کی, تو ڈرائی فروٹ بہت ایک اچھا سورس ہے ان کے لیے. آپ ان کو کریں, ٹھیک ہے نا. اب تو اس کی کیپسولز آ گئی ہیں, آپ کیپسول لینے کے علاوہ اگر آپ اس کو جس طرح یہ ہے قدرتی طور پہ ویسے اس کو لیا جائے تو وہ بہت افیکٹیو ہے. تو وٹامن اے, بی, سی, یہ ساری چیزیں ہم اپنے فروٹس اور نٹس اور ان چیزوں سے لے سکتے ہیں. تو کائنڈلی بار بار ہم ایمفسائز کریں گے کہ یہ چیزیں لیں,
और अपने खानों में इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये ले देव जी आमना, हम अब हम इसको स्टार्ट करेंगे अपने चपली कबाब। चपली कबाब ठीक है, ये कितना अच्छी तरह देखिए मैरिनेट हो चुका है कीमा, और एंड पे आपने इसमें प्याज और, हाँ जी अब इस पे मैंने ऐड कर दिया है प्याज और साथ में थोड़ी सी कटी हुई टमाटर और साथ में मैंने इसमें ऐड किया धनिया। ठीक है, इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, तब तक हमारा ये जो बादामी कोरमा है ना ये भी बन रहा है। हाँ, इसको भी पकने देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ऑयल ऐड किया इसमें थोड़ा सा। ठीक है, हल्का सा आप अपने हाथों पे लगा लें ऑयल, ऑयल लगा लें। ठीक है, उसको शेप देने के लिए, शेप देने के लिए, क्योंकि मैंने तो जब भी कबाब कभी बनाने की कोशिश की है चाहे वो दूसरे शामी कबाब भी, मेरे से तो हमेशा मुनीरा टूट जाती है। वो उसकी वजह ये है कि एक तो आप मैरिनेशन करने के फ़ौरन बाद डायरेक्टली बना लेती होंगी आप, मैंने जिसके पहले भी बताया आपको, आप इसको एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए आधा घंटा रखें, जैसे अभी आपके सामने मैंने कीमे को रख दी है। ठीक है, ताकि उस पर चीज़ें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएँ। आप देख सकती हैं इसकी शेप। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है या छोटा रखना है। ठीक है, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा दरमियानी साइज़ का बना रही हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, ये हमने उसके ऊपर टमाटर भी लगा दिए। ठीक है, चूल्हा हम हल्की आंच पे रखेंगे, नहीं थोड़ा सा तेज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा बना लें इसको हम, तब ऑयल को गर्म करने के बाद हम, हाँ ऑयल इसमें डाल करके थोड़ा सा मैंने इसमें कर दी है थोड़ी इसकी आग इसकी। ठीक है, ठीक हो गई, इसको कोई डिश देख लें। नाज़रीन आपको कितना फ़ायदा हो रहा है कि आप घर बैठे आप चपली कबाब बनाना सीख रहे हैं। नहीं तो अक्सर अगर हम, अक्सर ऐसा होता है कि इंग्रेडिएंट्स कहीं से पढ़ के भी बनाए ना तो वो चीज़ बनती ही नहीं। बिल्कुल आमना आपने सही बताया, आप देख ना लें, बिल्कुल ऐसे ही है। यकीन करें कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब कभी कोई चीज़ किसी को आप बता दो तो वो भी समझ नहीं आती है। हाँ, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके वो चीज़ को आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है। किसी को दिखाने से आप जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसी क्या चीज़ है। जैसे आप मुनीरा को देख सकते हैं कि वो कितने, आपकी कौन सी फेवरेट डिश है आमना? मैं तो बिरयानी, बिरयानी वैसे बड़ी मैंने देखा है, बड़ी फेमस सबकी डिश होती है बिरयानी, तो सबकी वीकनेस है। लेकिन मुनीरा जो भी बनाती है ना वो हम शो के बाद में जब भी मैं खा रही होती हूँ तो आई कांट गेट इनफ ऑफ इट, बिकॉज वो बहुत यम्मी होता है सब कुछ। नहीं थैंक यू आमना, ये तो आप बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी आपने, लज्जत भी तो होती है। हाँ ये भी हमारा बहुत कहा जाता है, कई लोग इतना कुछ बनाते हैं लेकिन लज्जत की भी तो बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें तो। ठीक है, आप देख सकते हैं कबाब मैंने रख दी इसमें थोड़ी सी। ठीक है, ये ऑयल हमारा थोड़ा सा पहले गर्म हो रहा। ठीक है, हम इसे रखें थोड़ा सा, इसी तरह हम अपने कबाब बनाते जाएंगे। इसका मतलब है मुनीरा ये जो प्रसप्शन है कि चपली कबाब को डीप फ्राई किया जाता है, हाँ? हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ शेलो फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पेशावर के खाने जाते हैं तो वो डीप फ्राई ही करके खिलाते हैं, वो डीप फ्राई करते हैं। उसकी आना वजह ये है ना कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बनाने होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि इतना टाइम तो होता नहीं है, फिर एकदम से सब कबाबों को ऐड कर देते हैं और उस पर बना लेते हैं और उसको आपको बना के तो फिर ईजिली आप इसको खा लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन कितनी खूबसूरत उसकी, और अक्सर मेरे तो कबाब मुनीरा लग भी जाते हैं, तो ये एक एक्सपर्ट आपके सामने देखे लाइव किचन में आपको करके दिखा रही हैं, और माशाल्लाह इतनी परफेक्ट हैं आप। अब ना जो कबाब लग जाते हैं ना हमेशा उसकी बेसिक वजह ये होती है कि स्टोव बहुत तेज़ रह जाता है, जैसे कि अब हमारा भी स्टोव तेज़ है, इसको आज तो स्लो कर लेते हैं। ठीक है, हाँ क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है ना मुनीरा कि वो पक जाते हैं अंदर से, कबाब कच्चे रह जाते हैं और वो टूट भी जाते हैं और उनका अजीब सा हलवा बन जाता है। और आमना अगर आप चाहें इसको जैसे कि फ्रीज करना चाहते हैं कि इसको कबाबों को, तो आप इसको तेज़ आंच में ऐसी जैसे मैंने बनाया ना इसे बना के ना कलर दे के आप इसको रैपिंग शीट पर फ्रीज कर लें। जब आपकी गेस्ट जाएँ तो बाकी कुकिंग आप तब करें लाइट थोड़ी सी हल्की उसकी
फ्लेम रख के ना, तो आप उसको तब पका लें तो बहुत ज़बरदस्त उसका एक टेक्सचर आएगा, ठीक है ना। आप देखें इसके कबाब अभी बड़े ज़बरदस्त, आप इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। इसके साथ एक मैं सॉस बनाऊंगी थोड़ी सी, जो उसके साथ सर्व करेंगे, जिसमें मायो साथ होगी और साथ में होगी इसकी चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके दोनों की एक उसकी कबाबों की सॉस बनेगी। खाने का और बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हमारे चपली कबाब फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मुनीरा जो है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी ड्रेसिंग करके प्लेट की प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारे फ्राई हो गए, बिल्कुल हो गए। अब ना किसी भी चीज़ की जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं ना होगी तब तक आपको वो चीज़ अपील नहीं करेगी। बेशक तो मेरा हमेशा फोकस यही होता है कि जब भी कोई चीज़ हम बनाए कि उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। और ये हम इसका टिश्यू में थोड़ा सोक कर लेते हैं इसका घी, ताकि वो ज़रा अच्छा उसका ना उसकी आ जाएगी थोड़ी सी अच्छी तरह से उसमें हो जाएगा, ठीक है जी। ये देख सकते हैं बस, मेरा नाजरीन यहाँ पे अच्छा इम्तिहान होता है कि सारे किचन में खुशबू ही खुशबू होती है और मेरे से वेट नहीं हो रहा होता कि कब सारी चीज़ें रेडी हो जाए और मैं इनको चखूँ। बस अब ना ये आपका इम्तिहान भी है और आपको एक मेरा ख्याल सीखने का मौका भी मिल रहा है जी। बिल्कुल, आपकी कई जैसी चीज़ें हैं कि आप तो वैसे बेसिकली खुद भी बड़ा कुछ आपको नॉलेज है, लेकिन ये कि जब प्रैक्टिकली आप देखेंगी तो आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा ना, तो ये बड़ी चीज़ें काउंट की जाती है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि हम अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। और ये दूसरी चीज़ कि आप देख सकते हैं कि गार्निश में मैंने वो चीज़ें ऐड की हैं जो ज़ाया ना हो, ठीक है ना, जो खाई जाएँ, जो खाई जाएंगी, ठीक है ना। मैंने इस पर लेमन भी इस पर थोड़ा सा कर दिया साथ में कबाबों के साथ, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ एक और भी तरीका कार है, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरती से आपने जो फ्लावर को बना के रखा है टमाटर के यूज़ किया है, यहाँ रखिए थोड़ी देर और, ठीक है। अब इसके साथ बाकी के भी कबाब हमने ऐड करने हैं जी। ये अब प्रॉपर पेशावरी कबाब वाला आपने ना टमाटर को उसके ऊपर लगा दिए, मैंने लगा दिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा इसका थोड़ा सा देंगे इसको ज़बरदस्त टेक्सचर थोड़ा सा और, ठीक है, बेहतरीन। अगर आप चाहें तो उसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये पड़ी हुई मेरे पास, ठीक है। कोई सी आप चाहें तो उसमें बॉयल करके एग भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुनीरा इसकी भी खुशबू जो है ना बहुत अपीलिंग है। बस इसको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, अभी चपली कबाब हमारे बन रहे हैं। चपली कबाब बनाने हो आपने कीमे की बहुत सी मैरिनेशंस हैं, ठीक है। अगर आपने खाली सीख कबाब बनाने हैं इसी तरह से, अगर उसमें आप नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, साथ में उसका क्या कहते हैं गरम मसाला, साथ में अदरक और साथ में लहसुन, हरी मिर्च और साथ में ये हरा धनिया फ्रेश, आप इनको इकट्ठा ब्लेंड करके पीस लें और कबाबों में कीमे में मिक्स कर दें। अगर आप देख रहे हैं कि कबाब आपके सीख सही जुड़ नहीं रहे तो उसका मतलब है कीमे को थोड़ा सा मलें, क्योंकि उसकी वजह ये कि जितना कीमे को आप मलेंगे थोड़ा सा रखेंगे मैरिनेट करके तो वो उतना अच्छा बनेगा। इसी रेसिपी में अगर आप थोड़ा सा 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दें फिर उसको फ्रेश में रख दें तो भी बहुत अच्छा उसका टेक्सचर बन जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इसको करें कोशिश करेंगे तो आपकी चीज़ें जो थोड़ी सी नहीं बन पा रही वो आपकी ईज़िली फॉर्म में बन जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, मतलब कि यही कबाब आपने बनाए हैं आप इसको ग्रिल करें हल्का सा, आप ऑलिव ऑयल उसमें सिर्फ ग्रिल में करके आप इसको हल्का सा कलर दें और इसको हल्का सा बेक करें,
ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इसके इसको बिल्कुल स्टीम करके खाना चाहते हैं तो आप ऑलिव इसको कहते हैं एल्युमिनियम फॉइल में कबाब को रोल करें। रोल करने के बाद आप पानी जब बॉइल्ड हो रहा होगा तो आप उसमें इसको रॉयल फोल किए फॉइल किए पेपर को उसमें ऐड कर दें। बिल्कुल स्टीम वाला आपका बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर का होगा और आपको बहुत अच्छा उसका लगेगा। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं अगर आप इसको खाएं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको फ्राई सोच के कि जो डाइट का लोग हैं वो कहें जी हम तो फ्राइड बहुत ज़्यादा ही नहीं करना, तो कुछ चीज़ें रेसिपी डिमांड होती हैं लेकिन आप उसको थोड़ी सी वेरिएशन कर लें तो आप उसको ईजिली खा सकते हैं। बेशक मुनीरा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने टेस्ट बर्ड्स को हमेशा एक्टिव रखें, हमेशा नई नई डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि वो एक ही रेसिपी के साथ स्ट्रिक हो जाते हैं। उनको चाहिए कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, हर रोज़ एक नई डिश ट्राई करें और लाइफ को इन्जॉय करें। बिल्कुल इस तरह ही आम ना, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अब यही कीमे, मैं आपको इसी कीमे के अगर आप कहें तो मैं आपको सीख कबाब की तरह भी बना के दिखा सकती हूँ। देखिए ज़रा, देखिए ना ज़रा, आप इसको बना के ठीक है शेप हमने उसको, हाँ आप इसकी शेप सीख कबाब वाली करके ठीक है आप इसको रखते जैसे कि ये रख दिए। अच्छा इन्हीं को आप फ्रीज भी कर सकते हैं, आप कोई गेस्ट वगैरह आए, ज़रूरी नहीं कि आपने खाली हम दूसरे कबाबी हैं कच्चे कीमे के उसके खाली इसमें चीज़ें जब पूरी मैरिनेट करके डालेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है आमना, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी चीज़ें जब फ्रिज में हो तो फिर गेस्ट का वेट ही नहीं होता, हाँ हम खुद ही बना बना के खाते रहते हैं। नहीं ये भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जितने भी हमारे मेरा हाल हमारे व्यूअर्स हैं वो उसमें से कई ऐसी खवातीन हैं जो वर्किंग होंगी तो वो इस बात से एग्री करेंगी कि उनको टाइम नहीं मिल पाता इतने बिजी स्केड्यूल में, तो वो ये करें कि वो एक दिन अपने डे में वीकेंड में रख लें जिस दिन उन्होंने अपनी लिस्ट बनानी है कुछ चीज़ों की, उस दिन बना के तो आप एक हफ़्ते के लिए रख लें जी। उसमें आपको बहुत अच्छा रह जाता है कि आप डे बाय डे अगर किसी को आपने इनवाइट करना है, ये जैसे आपकी वीकेंड में थर्सडे का दिन है आपने किसी के घर खाने पे जाना है वन डिश है तो आपने अपने जो चीज़ बना के रखी थी आप उसको जस्ट निकालते हैं और अपने फटाफट कर लेते हैं। वही चीज़ें जो हम बाज़ार से ले कर आते हैं ख़रीदते हैं तो एक चीज़ जो आपकी हाथ की बनी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत भी बहुत होती है और दूसरा आप जब बनाते हैं तो आपको आइडिया भी हो जाता है कि वही क्वांटिटी होती है लेकिन आप कितनी ज़्यादा चीज़ बना लेते हैं उसको, और घर में बरकत भी पड़ती है जो भी चीज़ आप बनाते हैं बाय, तो रेस्टोरेंट्स में आप बस ऐसे ही ठीक है। इसी तरह इसको अगर आप चाहें जैसे शेप दे सकते हैं, हाँ डिफरेंट शेप दे सकते हैं। अच्छा अगर आप चाहें तो आप इसको मिनी बर्गर जैसे बच्चों ने बनाने हो उनको छोटे छोटे सी आप बना सकते हैं, और इसी को अगर आप चाहें तो आप इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं। ये देखें ज़रा मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको, मीट बॉल भी आप इसके बना के ठीक है आप इसको देखें, ये मीट बॉल भी इसकी बना ली आपने वो भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी वेरिएशन है कि आपने एक ही टाइम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चूंकि चपली कबाब बना रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे चपली कबाब ही बनाएंगे ठीक है। मुनीरा इसकी खुशबू इतनी टेम्पटिंग है नाजरीन, जितनी देर मुनीरा इसको फ्राई हम लोग कर रहे हैं मुनीरा और मैं, आप देखिए रेसिपी कार्ड जिस जिसके इन्ग्रीडियंट और अज्जा मिस हो गए हैं वो रेसिपी कार्ड हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो नाजरीन ये देखें, ये तो इसकी खुशबू इतनी इसमें मेरे ख्याल से ये जो बादामों की और काजू की खुशबू है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको हम थोड़ा सा आप हमें वो चाइनीज जो नट्स वाली वो डिश होती है ना चिकन कैश्यू नट्स जी जी वो भी आपने सिखानी है बता, और वो पीनट सॉस भी पीनट सॉस एक बहुत स्पेशल पीनट की सॉस बनती है बहुत स्पाइसी होती है, वो भी मुनीरा आप सिखाएं ठीक है वो भी सिखाएंगे आपको, और उसके साथ साथ आपको चाइनीज़ में हम बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट का यूज़ करते हैं ठीक है चाइनीज़ में हम बहुत यूज़ करते हैं जैसे कि चिकन कैश्यू नट हो गया चिकन आलमंड हो गया ठीक है, उसको हम जब बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़बरदस्त उसका फ्लेवर, और बेसिकली देखा जाए तो अब तो बहुत से ये ट्रेंड आ चुका हुआ है हमारे यहाँ के जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से इतने एक्सपोर्ट होते हैं मुनीरा बहुत ज़्यादा,
तो हमारे देखिए ज़रा ये इसका टेक्सचर देख सकती हैं। अगर आपके कीमे की बाइंडिंग अच्छी होगी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, तो आपका कबाब उतना अच्छा देख सकते हैं ये बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इसको चाहें तो उसको भी आप तोड़ के देख सकती हैं। इसके साथ साथ कोरमे की तरफ, कोरमे का भी चिकन का कीमा का जितनी अच्छी तरह बन जाएगा मैं देखती हूँ। बातों का सिलसिला और खाना बनने का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आपको मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हमारे चपली कबाब ऑलमोस्ट रेडी हैं। हमने डिश आउट भी कर दिए हैं, सिर्फ हमारा बादामी कोरमा रह गया, तो वो हम मुनीरा से पूछेंगे कि कितना कंप्लीट कर लिया। वो भी आमना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि उसकी ऑयलिंग बिल्कुल ऊपर आ चुकी हुई है। आप देखें कोरमे की, आप अगर आप कैमरा मैन दिखा सकें तो ये देखें बिल्कुल ऊपर आ चुकी हुई है कोरमा, ठीक है। हाँ, और चिकन बिल्कुल इसका बन चुका हुआ है, कोई इस पर नहीं रह चुकी कि आप कहें कि कच्चा है। ये देखिए हमने कितनी देर रखा था मुनीरा, ये देखें तकरीबन 40 टू 45 मिनट, ठीक है बन चुका है ना, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे कोरमे को। कोरमा जब भी आप डालें डिश आउट करें, कोशिश करें कि ज़्यादा ओवर उसकी रिफिल ना करें, ठीक है। बाउल फॉर्म में हाँ हमेशा, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप ज़्यादा फिल कर दें तो समझ भी नहीं आती है। साथ साथ अपना कबाबों को भी देखिएगा, कबाब की तो खुशबू ऐसे आ रही है, मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा कि मैं ये सारे खा लूँ। बस सारे आप ही को खिलाने हैं। कई लोगों को बहुत मोहब्बत होती है खाने से और वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी और लाहौरी, तो मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी खाने से बहुत प्यार है। ये देखिए अम्मा मैंने इसको कैसे किए, ठीक है। तीन से चार लोग इजी तरह से खा लें, ज़्यादा फिल ना करें इसको आप, और बाद में आप जब डिश थोड़ी ख़त्म होने लगे आप उसको रीफिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया अपना बादामी कोरमा। बादामी कोरमा इस पे हम ड्रेसिंग इसकी करें जी, बादामों की। वैसे तो मैंने पेस्ट डाल दी थी काजू की और बादाम की, लेकिन हम इसमें बादाम और ऐड करेंगे। बादाम हम उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे ठीक हो गया थोड़ा सा इसके ऊपर। हमारे ये चपली कबाब भी मेरे हाथ से मुनीरा है, आप एक बार देख लें, ऑलमोस्ट रेडी है डिश आउट करने के लिए। ठीक हो गया, ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा कोरमा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये देखिए कि कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, ठीक है। साथ में हम बना रहे हैं इसका फ्रेश सैलड बना रही हूँ, फ्रेश सैलड, ठीक है। जितनी वेजिटेबल्स जो आपकी कट रह गई हैं वो आप कट कर लें जी। जैसे कि हमने पहले भी नाज़रीन बताया था कि खाने के साथ वेजिटेबल्स का भी इंटेक लें, सैलड बना लें। आपको डिफरेंट डिफरेंट डिशेस मुनीरा ने बनानी सिखाई हैं, उनमें से सीज़र सैलड भी हमने ट्राई किया था, आप साथ वो भी रख सकते हैं। बिल्कुल वो भी रख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा थोड़ा सा प्याज बच गया था, मैंने कहा इसको भी यूज़ कर लेंगे हम अपने सैलड के अंदर, ठीक है। वो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है जब उसके साथ सैलड सॉसेजेस। आमना हर चीज़ की अपनी लवाजमात होती हैं, अगर वही ना कंप्लीट अगर हो
तो खाना आलू बुखारे की चटनी तो मुनीरा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समोसों के साथ पाकिस्तान में बहुत खाई जाती है। हाँ समोसों के साथ जो हमारे बड़े समोसे होते हैं उनके साथ बहुत खाई जाती है और खाई जाती है लेकिन बहुत शौक से। और दूसरा ये कि जब समोसों की बात हो तो मेरा ख्याल है कि समोसे कचौरियाँ जलेबियाँ ये सब चीज़ें बहुत अटेम्प्ट करती हैं जब हम अपनी पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहाँ वहाँ पे उन चीज़ों का भी हम मिस आउट नहीं कर सकते हैं कि ये भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वहाँ की। देखिए अपना कोरमा बिल्कुल डन हो चुका हुआ है, ठीक है ये देखें बिल्कुल और बहुत खुशबू है इसकी। आप इसके देख सकते हैं इसके अंदर जो उसका वाइटिश सा कलर है वो उसकी पेस्ट की वजह से है और देखिए थिक फॉर्म में कितना है ये कोरमे का। हाँ कई लोग कोरमे को बहुत शोरबे वाला बना देते हैं तो उसके लिए भी मुनीरा आप इनको बताएं कि उसको गाढ़ा करने के लिए उसके शोरबे को मैं बताऊँगी। वो कहते हैं ना एक के नानियाँ दादियाँ कहा करती थी कि लड़की को अगर इम्तिहान लेना है तो उससे आलू गोश्त बनवा के चेक करें आप कि आलू गोश्त को ठीक आता है कि नहीं आता है। तो ये बड़े वो कहते हैं टिप्स होते हैं हमारे बुज़ुर्गों के वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं आज भी वो बड़े आजमूदा होते हैं अगर आपको पता चल जाए कि वाकई ये टेक्निक्स काफ़ी काम आती हैं। तो इसके साथ साथ आमना कबाब भी मेरे हल हो चुके होंगे कबाबों को भी डिश आउट कर लेते हैं साथ ही कबाब भी हाल से हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं और पहले हम इसको एक प्लेट में इनका अगर आप चाहें तो इन कबाबों को आप बर्गर लेके बर्गर बन के साथ भी खा सकते हैं जैसे कि सलाद का पत्ता लेंगे उसमें हम ठीक है ये इसके साथ हम इसको रखेंगे सलाद के पत्ते को बिल्कुल नीचे रखेंगे साथ में आप उसमें खीरे उस लगाएं साथ में लेमन जूस उसमें ऐड करें साथ में कबाब रखें और साथ में आप इसके बंद रख सकते हैं बंद कबाब बहुत आपके ये बर्गर बन सकते हैं। इसी तरह अगर आमना चीज़ भी इसके साथ चीज़ भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको बीफ पे बनाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे जो आपके बीफ कबाब होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। और आमतौर पर देखा जाता है कि हम जब कबाब बनाते हैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि वो आपके जुड़ते नहीं हैं सही तरह या कोई उसका प्रॉब्लम हो तो उसकी बेसिक रीज़न वो यही होती है कि वो आपके अंदर बाइंडिंग जो फोर्स में ऐड करते हैं वो ठीक तरह से नहीं उसमें एडजस्ट हो रहा था ठीक है ना। तो ये कुछ तरीक़ों से इसको हम कर लेते हैं और इसको हम अभी डिश आउट करते हैं तरीके से और उसमें इसमें ऐड करते हैं बाकी तो इसकी जमा मामना जैसे कि रेसिपी में आप देखा। हाँ ये ऑलमोस्ट इसका हो चुका हुआ है जैसे कि आलू बुखारी की चटनी भी हो गई है देख सकते हैं कितनी ठंडी होके कितनी ज़बरदस्त लग रही है ठीक है ना। ये देखिए तो हमारी ऑलमोस्ट डिशेस रेडी है मुनीरा बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं ये देखिए आपके सामने ये बनाई हैं और ये देखें जी इसको हमने किस तरीके से कितने प्यारे तरीके से डिश आउट भी किया है। वही चीज़ आमना आ जाती है बार बार कि अगर आपने प्रिपरेशन की हो आपको अपने मेन्यू का पता हो कि आपने क्या मेन्यू सेलेक्ट किया है और तो फिर आपको बहुत ईजी रह जाता है। हर कोई एक्सपर्ट हो ऐसा तो नहीं हो सकता तो हर चीज़ का टाइमिंग हर चीज़ की मकदार जाननी बहुत ज़रूरी है और वो हम सिर्फ मुनीरा से सीख सकते हैं और देख सकते हैं और उनकी राय ले सकते हैं। क्यों मुनीरा बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की मेरा ख्याल है आमना कि कहते हैं ना कि आपने ज़िंदगी में हर वक्त सीखने का अमल जारी रखना चाहिए तो जिस तरह से अगर मैं इस जगह पर सिखा रही हूँ तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि मुझसे कुछ लोग सीख रहे हैं तो इस तरह मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। इसमें मैं अगर अपने एग्जीक्यूटिव शेफ़ का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की क्योंकि ये एक फील्ड ऐसी फील्ड है आमना कि जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये कोई ऐसी नहीं है इसके साथ साथ आपका पैशन आपका होता है और दूसरा ये हमारे व्यूअर्स का प्यार होता है उनकी चाहत होती है कि जो हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं हमारी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक किस्म की कहते हैं ना आपको एनर्जी आपके लेवल बहुत बूस्ट अप हो जाता है तो ये चीज़ें काफ़ी काउंट की जाती हैं। और सीखने से मुझे याद आया कि अब मैं इनसे सीख रही हूँ और मैं फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप कहते हैं ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक ही गो में ऐसा परफेक्ट बना सकती हूँ। और अगर आप लोग भी घर में ट्राई करें और ना बन सके तो उम्मीद ना छोड़ें उसको फिर ट्राई करें और वो ज़रूर वैसा बन जाएगा बिल्कुल। और साथ साथ ये भी होते हैं आप ना कभी कभी कि जैसे कि इसमें हमने नट्स का सारा ऐड किया तो नट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर सीज़न में आप नट्स का इस्तेमाल रखा करें ठीक है आप वंस इन अ मंथ ज़रूर खाएं आप उसको चाहे हलवे की सूरत में खाएं चाहे ड्राई फ्रूट सूरत में खाएं। अच्छा इसका एक और भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है जैसे कि सीज़र सैलड मैंने जैसे बनाना बताया तो बहुत से लोगों को सीज़र सैलड बहुत पसंद होता है उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आप ड्राई और फ्रूट जितने भी आपके होते हैं ये फ्रेश आप लेकर आते हैं आप उसको
कट करते हैं, अगर चिकन के चंक्स नहीं हैं तो आप उसको फ्रूट्स के साथ साथ में वेजिटेबल ऐड करते हैं और साथ में ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं, तो आपको पूरी एक एनर्जी, आपको प्रोटीन मिल जाता है आपका, आपको कई ऐसी चीज़ें जो आपको समझते हैं कि आपको खाने में टाइम की ना होने की वजह से नहीं पूरा कर पाते हैं, तो आप इस फॉर्म में भी इसको खा लेते हैं, ये भी बड़ी हो जाती है। स्पेशली जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनको तो उनके ट्रेनर्स जो हैं रिकमेंड करते हैं कि आप नट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, स्पेशली पीनट्स का और अपने बादामों का। यहाँ पे बातों का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का पकवान और हमारी सारी मज़ेदार डिशेज़ हमारी टेबल पर हमारे सामने प्रेजेंट कर दी हैं, मुनीरा ने बन भी गई हैं। तो मुनीरा, मतलब खुशबू तो मुझे यहाँ तक आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम कब ये जब वाइंड अप करेंगे, मैं तो सबसे पहले जाके ये सारा खाने वाली हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी आज घर में बनाई होंगी सारी चीज़ें, और नट्स की जो हमने थ्रू आउट बात की है अपने टॉपिक पे और बार बार एम्फेसाइज किया है, तो हम मुनीरा हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि तिल जो होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे यूज़ होते हैं ड्राई फ्रूट में भी और वैसे भी, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उस पर बात करेंगे, और खानों में हम कैसे उनको यूज़ करते हैं। देखिए तिल तो जैसे कि जब हम कोई जैसे भी कोरमा बनाया है, तो कोरमे के साथ जब हम जब रोटी या नान लेते हैं तो नान तिलों वाले ही होते हैं, ठीक है ना। कलवंजी के नान हो गए आपके, तिलों वाले नान हो गए, और आज भी पाकिस्तान के जिधर भी आप अंदरूनी शहरों में अगर जाएं तो सुबह के नाश्ते में जब निहारी हो या मगज़ या पाए तो उसके साथ कुलचे होते हैं, कुलचे तिलों वाले होते हैं, वो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी भी बहुत ही अफादियत है। और उस तिलों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि अगर जिनके बालों में थोड़ा सा कोई पड़ जाए गंज वगैरह तो उसको ऊपर तिलों का लगाना चाहिए, वो उससे बड़ा उनको अफेक्टिव होता है। तो इस तरह इन ड्राई फ्रूट्स को जितना खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना फ़ायदेमंद है, उतना ही इनकी जितने ऑयलिंग है, जैसे कि बादाम का तेल हो गया, फिर उसके अलावा आप कहते हैं ऑलिव ऑयल हो गया, साथ में हम कलवंजी का तेल हो गया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो बेसिकली तो हमारा मकसद है यही प्रमोट करना कि बच्चों को एनर्जी लेवल, जो बच्चे ग्रोइंग एज होते हैं वो भागते बहुत हैं, खेलते बहुत हैं, फिर दूसरा ये कि उन पर पढ़ने का बहुत लोड होता है, तो आप उनको नट्स का ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, चाहे आप उनको दूध में पिला दें, ठीक है, बादाम, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी और इतनी मुफीद हैं। तिलों की बात हमने इसलिए की कि हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि एक छोटी सी चीज़ कितना इफ़ेक्टिव है आपकी सेहत के लिए, और तिल जो है हम लोग यूज़ करते हैं लड्डुओं के ऊपर भी, तो वो छोटी सी चीज़ जो जायका उसका बदल जाता है और जो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, नान निहारी के साथ जब खाए जाते हैं तिलों वाले कुलचे सुबह सुबह, तो और यही नहीं सिर्फ हम ना, हम इसको अपनी कॉन्टिनेंटल डिशेज में बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि हम उसको सेसमी को हम जब बनाते हैं, सेसमी विंग्स बनाते हैं हनी विंग्स के साथ, आप ये देखें कि उसकी टॉसिंग के साथ जब उसको इतना अट्रैक्टफुल होता है ना, बहुत ज़बरदस्त। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है वीडियो कॉल पे कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है उनको। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, कैसी हैं आप, कौन बात जी? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही हूँ? मैं अनम तारिक बात कर रही हूँ लंदन से। अनम तारिक लंदन से बात कर रही है मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो में और पाकिस्तान के पकवान, तो मुझे आपसे एक फरमाइश थी और एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी जी। मुनीरा से पूछें,
वैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो इन्होंने नट्स ये ग्रेवी में यूज करती है, इसकी अफादियत हमें मिल जाती है ग्रेवी के थ्रू कि वो जब आप उसको कुक करते हैं तो वो खत्म हो जाती है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया अनम, इसके साथ कोई फरमाइश आप करना चाहेंगी? मेरी सिंधी बिरयानी की फरमाइश है। जी जरूर अनम, हम जरूर आपकी फरमाइश मुनीरा तक फॉरवर्ड करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो जरूर आपकी फरमाइश बनाए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अनम। बिल्कुल जरूर बनाएंगे। और दूसरा उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जब हम इसकी पेस्ट बनाते हैं तो इसकी अफादियत पे कोई अफेक्ट तो नहीं होता? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने इसको रात भर भिगो दिए थे पिस्ता को, और सॉरी बादाम और साथ में काजू, वो उसी के पानी में इसको मैंने ब्लेंड किया और उसी के साथ मैंने पेस्ट में बना के इसको शामिल कर दिया। ठीक है, जब आप हाँ किसी चीज़ को उसी की फॉर्म में रहने देते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसकी अफादियत में फ़र्क थोड़ा सा तो पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट खाएंगे जैसे कि सुबह उठ के अगर आप बादाम खाएंगे या उसको सोने से पहले खाएंगे तो वो डायरेक्टली खाने का और फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए नेचुरल चीज़ें तो नेचुरल होती हैं, जब उसको कुक करते हैं तो उसको थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन आप इसको ट्राई करें, आपको उसमें जो एनर्जी लेवल, जो उसकी कैलोरीज लेवल, आपको सेम उतनी ही मिलेंगी जितनी आपको चाहिए। बेशक नाजरीन, मकसद ये है कि जो लोग इनटेक नहीं करते या लेज़ी हो जाते हैं इस तरह के नट्स और ड्राई फ्रूट लेने से, तो उनको हम खूबसूरत तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं कि वो अपने खानों में इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो जब आप अपने खानों में इस तरह की इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट बड्स भी एक्टिव होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट अप होगा। बिल्कुल, इसकी तो जितनी फ़ायदे बताए जाएँ कम है। जैसे कि हमने अभी तिलों का जिक्र किया, तिलों, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, ये सारे ऐसे लवाजमात हैं कि इनका इस्तेमाल खानों में भी मुफीद है और इस अगर आप सादा भी उसको खा लेते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। बिल्कुल, आप जब सर्दियों का सीजन आता है तो आप उसको एक आधे दफ़ा ज़रूर अपने घर में लाएं और उसको ज़रूर खाएं। मूंगफली जैसे हो गई, ठीक है, आजकल तो आमना मैंने देखा है कि इतना ट्रेंड आ चुका है ना कि शाम में जब इकट्ठे होते हैं तो दिल करता है, सर्दियों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो आज भी ये रिवाज है कि शाम के टाइम मूँगफली ज़रूर लाजमी खानी है। इसके साथ साथ आप इसका अल्टरनेट अगर देखें तो हम देखते हैं कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये सब ड्राई फ्रूट्स वैसे अपील करते हैं आपको, खाने को दिल करता है तो आप इसको खाली ज़्यादा अगर खाएंगे तो वो ये होता है कि ये नहीं कि आपके सामने ड्राई फ्रूट पड़ा तो आपने सारा एक दफ़ा से खा लेना है, आप जस्ट आपने थोड़ा सा इतना ही खाना है जितना आपकी ज़रूरत है। लेकिन आप किसी भी चीज़ की जब ज़्यादती करते हैं, आप उसको जैसे अगर एक बाउल आपके सामने एक प्लेटर आया है तो उसको अगर 6 से 7 लोग खाएंगे और उसको एक ही बंदा खा जाए तो वो फिर उसके ऊपर एक तो अफेक्ट भी बहुत बुरा पड़ता है, दूसरा ये कि आपकी डाइट को भी वो ख़राब करता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ख्याल करना चाहिए कि चीज़ थोड़ी लें और आप थोड़ी बाकी रख के खाइए तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद वो चीज़ होगी। इसके साथ ही मुनीरा मैं बताती चलूँ अपने नाजरीन को कि हमने रेसिपी कार्ड चला पे हमारे बादामी कोरमे का, कि जिनके इंग्रेडिएंट्स और अज्जा मिस हो गए थे वो एक दफ़ा उनको भी नोट डाउन कर लें, क्योंकि चपली कबाब और उसका हमने चला दिया था। काइंडली नोट डाउन कर लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन्स पर रेसिपी कार्ड होगा। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपने रेसिपी कार्ड से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। रेसिपी कार्ड के साथ साथ ज़रूरी ये भी होता है कि आप हमारा सारा शो देखें और ब्रेक में भी थोड़ा साबित कदम रहें और वापस हमारे साथ ही रहा करें, ताकि आप हर चीज़ देख सकें कि मुनीरा कैसे कर रही हैं, ताकि बनाते वक्त आसानी हो। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है इंग्रेडिएंट्स आप कर तो लेते हैं लेकिन वो शेप या वो चीज़ जिस तरह मुनीरा उसको शेप दे रही थी कबाबों को, तो वो हर चीज़ हर डिटेल आप रजिस्टर कर लेते हैं। क्यों मुनीरा? बिल्कुल ऐसे ही, अभी मैं सोच रही थी, मेरे दिल एक दिमाग में आ रहा था कि हम हैं आपके साथ पाकिस्तान के पकवान और आप हैं हमारे मेहमान कैसा अच्छा एक शेर सा बन गया। बेशक शेर और शायरी भी हम मुनीरा, फिर आप तो इसका मतलब नहीं नहीं, नहीं वैसे ही थोड़ा सा ज़हन में आ रहा था। नहीं, मेरे ख्याल से मुगली पुलाव के साथ आप कोई शेर और शायरी और तहकीक कर रही होंगी ना। देखिए शेफ जितने भी होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो ये आप उनको ऐसा ना सोचें, तो इसलिए ये थोड़ा सा होता है। तो ये जो हमने आज बड़ा बनाया ज़बरदस्त किस्म का कोरमा, बादामी कोरमा बनाया है, साथ
साथ में आलू बुखारे की चटनी बनाई है, साथ में बनाए चिकन चपली कबाब, तो उम्मीद है सैलेड भी है साथ। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स प्लीज़ आप हमें इसकी फीडबैक दें, हमें बताएं, और अपनी भी कोई रेसिपी खास किस्म की हो तो वो भी प्लीज़ शेयर करें। हमें वो भी होगा कि जिनकी भी रेसिपी हम शेयर करेंगे ताकि हम भी कुछ उनसे सीखें कि इनकी कोई ख़ास रेसिपी हो, कैसे इनको बनाई जाती है। ज़रूर बताएं अगर आपका कोई ऐसा कुकिंग एक्सपीरियंस है या कोई ऐसी चीज़ आपने बनाई है या इनोवेट की है जो हम लोग ट्राई करें और हमारे थ्रू यहाँ से लोग सीखें। सीखने से याद आया, इसी तरह हम नई नई डिशेस के साथ आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे। हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखते रहिए। थैंक यू सो मच।